आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। आज का ये वचन है ना हर एक विश्वासी के लिए, सेवक के लिए, अभिषिक्त के लिए, नए विश्वासी के लिए, पुराने विश्वासी के लिए, एक स्त्री के लिए है। खुदावंत का रूह आज आपसे और मुझसे बात करेगा। अगर आज आप जानना चाहते हो ना कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और प्रभु आपसे क्या चाहता है और शैतान आपके पीछे क्यों पड़ा है, शैतान किन बातों से नफरत करता है, तो ये वचन आज आपके लिए है। और इसी के साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका विरोध क्यों होता है, सताव क्यों है, उंगलियाँ क्यों उठाई जाती, दोष क्यों लग रहे थे, बुराइयाँ क्यों हो रही थी, जज क्यों कर रहे थे, या कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही थी जो आपको तोड़ रही थी, जो खुदा से दूर कर रही थी, तो ये वचन आज आपका आपके लिए है। ध्यान रखना, खुदा उनका रूप बात करेगा। बोलो प्रभु आज तुम उससे इस वचन के द्वारा बात कर। आमेन। प्रभु पवित्र आत्मा मास्टर आप बोलिए, होली स्पिरिट आमेन। तो शुरुआत करते हैं, शैतान तीन चीज़ों से, तीन परिस्थितियों से, तीन परिस्थिति, तीन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तीन तीन लोगों से नफरत, नफरत, नफरत करता है, नफरत जल उठता है। वो तीन चीज़ क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है, अगर हम देखें पति और पत्नी से, पति ऐसे लिखते हैं शायद, पति और लिखाव की तरफ मत देखना, बस इशारों को और आवाज़ को समझना। खुदावंद आज आपसे मुझसे बात करेगा। पति और पत्नी से, पत्नी शायद ऐसे लिखते होंगे। दूसरा गर्भ, गर्भ फल से, गर्भ, गर्भ का फल, आसान शब्दों में ना, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे से। तीसरा उठ रहे सेवक, या आसान शब्दों में इसको लिखें, सेवक और सेवक, सॉरी मैंने मिटा दिया, पवित्र सेवक। अभी कौन सा है, ये दो प्रकार के हैं, है ना। शैतान इन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, सबसे ज़्यादा धरती पर यही चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र में आई है जिसमें शैतान ने काम किया है। अगर आप एक पति हैं, पत्नी हैं, अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं, या आगे चलकर जब आपकी शादी होती है, जब आप गर्भ धारण करेंगी, या अभी आपने जब अभी आपकी शादीशुदा हैं और अभी आपका पति भी है और आप गर्भ धारण कर चुके हैं, या फिर आप इच्छा रख रहे हैं एक पत्नी होने के नाते, है ना, या फिर आप एक सेवक हैं, विश्वासी हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं चर्च में, छोटी सी सेवा कर रहे हैं, खुदावंद ने आपको बुलाहट दी है, कॉलिंग है आपकी, है ना, और कई सारे उन सभी विश्वासियों के लिए, वरन जो लोग अभी जिन्होंने अभी सेवा शुरू ही की है, जो सिर्फ चर्च की सेवा करते हैं, चाहे जूते चप्पल के, चाहे पानी पिलाने की, चाहे खाना खिलाने की है, चाहे साफ सफाई की, चाहे झाड़ू पोछे की है, कोई सी भी सेवा, है ना, चाहे माइक साफ करने की, चाहे डस्टिंग हटाने की है, कई प्रकार की सेवा, चाहे वो 1 साल से लेकर, चाहे वो 2 साल तक के, 3 साल तक के मसीह विश्वासी की है, है ना, या फिर एक बुलाहट वाले व्यक्ति की, जो मान लो 1 साल से लेकर, मान लो अपना, चाहे वो एक सेवा करना शुरू करने वाला है या परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी है, मान लो 7 साल हो गए हैं या 8 साल हो गए हैं, है ना, 6, 7, 8 साल, या इस दौरान में एक मसीह विश्वासी के जो परिपक्व होते जा रहा है, जिसको सेवा के लिए अब तैयार हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रोसेस काफ़ी हद तक हो चुका है, और यहाँ पर इस वाली कंडीशन में अब बस परमेश्वर जैसे उसको बोलेगा वैसे ही वो नियुक्त कर दिया जाएगा प्रभु के राइट टाइम पर, है ना। तो एक इस प्रकार के सेवक के लिए, यहाँ पर जो 2 सेवक बताए गए हैं, यहाँ पर 2 सेवक वो हैं, पहला वो जिनका अभिषेक हो चुका है, और दूसरा वो है जिनका अभिषेक होने वाला है, जिनका अभिषेक हो चुका है, जिनका अभिषेक होने वाला है। ध्यान से सुनना एक बार, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आसान रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है, पवित्र सेवक से, जिसमें से पहला जिसका अभिषेक हो चुका है सेवा के लिए, या फिर दूसरा वो जिसका अभिषेक होने वाला है, है ना, दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, जिसका अभिषेक होने वाला है।
तो अगर आप एक पति पत्नी हैं या आगे चलकर आपकी शादी होगी तो ये वचन आपके लिए है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी ये वचन आपके लिए है। अगर आप एक बाप बनने वाले हो या बाप बनने की प्लानिंग कर रहे हो तो भी ये वचन आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के भवन में सेवा कर रहे हो या सेवा करना चाहते हो, सेवा का जज्बा रखते हो या इच्छा रख रहे हो परमेश्वर की बड़े लेवल पर सेवा करना चाहते हो तो भी ये वचन आपके लिए है। ध्यान से सुनना, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पति और पत्नी से। शैतान क्यों नफरत करता है, पवित्र शास्त्र इस विषय में क्या कहता है? देखो, शैतान, अगर हम उत्पत्ति के अध्याय में चले, शुरुआत में आदम और हवा, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी थे। शैतान इन दोनों के बीच में आया, हवा को भरमाया, आदम को भरमाया, दोनों से गलतियां हुई। तो शैतान ने हवा को भरमाया, आदम को भरमाया। अब एक जना भरमाया गया तो दूसरा भी भरमा इसलिए गया क्योंकि वो पत्नी के द्वारा हो गया। अब पत्नी इसलिए भरमा ली कि बेचारी वो शैतान के द्वारा हो गया, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। गलत मनुष्य नहीं है, ध्यान से समझना, गलत मनुष्य नहीं है। लेकिन अब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में। समझना, तो शैतान ने सबसे पहले जो नफरत करी थी परमेश्वर की रचना, आदम और हवा, आप और मुझसे, ध्यान से समझना, आदम और हवा से रचना करी थी। और परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया जिसका नाम है पति और पत्नी, जिसे कहते हैं हस्बैंड वाइफ, इंग्लिश में हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी, है ना, पति और पत्नी। लेकिन इन पति पत्नी के बीच में ना कहीं पाप आ गया। पापा, यहाँ तो लिखा पापा लेकिन लिखना पाप आ गया, ठीक है, पाप। अब पाप कैसे आया? क्योंकि शैतान को पता चल गया था कि परमेश्वर ने ये जो योजना बनाई है ये परमेश्वर की स्तुति महिमा तारीफ करेगी, और शैतान ने नफरत की इस बात से। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में लूसीफर ही परमेश्वर की आराधना करता था। अब लूसीफर ने देखा कि मैं तो स्वर्ग से गिरा दिया गया हूँ, अब मैं स्वर्ग से फेंक दिया गया हूँ, मैंने ये गलती की, पाप किया, मैंने मन में सोच लिया था कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन प्रभु तो पवित्र है, अब मेरे को स्वर्ग से निकाल दिया। कोई बात नहीं, स्वर्ग से निकाल दिया ना परमेश्वर, जो तूने स्वर्ग से उतरकर धरती पर जो आदम और हवा को बनाया ना, अब मैं इसको भी तेरी आराधना नहीं करने दूंगा। तू क्या सोच रहा है? परमेश्वर ने सोचा कि मेरी आराधना ये नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने लिए मनुष्य को क्रिएट करूँगा, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, मैं अपनी रचना बनाऊंगा अपने रूप और स्वरूप समानता में, उनसे प्रेम करूंगा और उनके साथ समय बिताया करूंगा। परमेश्वर ने तो बहुत सी योजनाएं बनाई थी, भली और उत्तम, जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया था, मनुष्य को अपने से छोटा ही नहीं वरन अपने समान बनाया था, सब कुछ अधिकार दे दिया था परमेश्वर ने आदम हवा को, है ना। लेकिन प्रभु ही है, ध्यान रखना, वो भी आदम को जो अधिकार मिले थे वो स्वर्ग और पृथ्वी का था उस समय, और शायद स्वर्ग का भी हो सकता है, उस वाले मोमेंट में भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एलिया के बारे में पढ़ते तो एलिया को भी स्वर्ग का अधिकार था, इसका मतलब मनुष्य को स्वर्ग पर भी अधिकार दिया गया। एलिया ने आकाश को बंद किया था, यहोशू ने सूरज को रोक दिया था, है ना, स्वर्ग का अधिकार, आकाश का अधिकार भी था, तो हम समझ सकते हैं। तो जब परमेश्वर ने देखा, चल लूसीफर तू नहीं करेगा ना मेरी आराधना, अब देख मेरी आराधना करने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए मैं अपने लोगों को सृजूंगा अपने रूप और स्वरूप समानता में, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और बनाने के बाद में शैतान को जलन हुई, और जलन होने के बाद शैतान ने हवा को और आदम को भरमा दिया, इनसे पाप हुआ। जब इनसे पाप हुए तो ये पाप में गिर गए, और शैतान ने इनको गलत राह पर लेकर गया। और अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की शुरुआत में ही, तो परमेश्वर का आत्मा मनुष्य को बनाकर पछताया, क्यों? क्योंकि मनुष्य नरक की ओर जा रहे थे, क्योंकि शैतान ने उनको गलत दिशा में मोड़ दिया था, वो अधोलोक की तरफ जा रहे थे जो कंटिन्यूस चलता तपता रहता है, और खुदा का दिल दुखा, समझ रहे हो। तो खुदा ने एक भविष्यवाणी करी थी हवा के द्वारा कि एक आएगा इसी स्त्री के द्वारा। अब ये वो फल वाली बात है, पहला पति पत्नी की जिंदगी में काम किया। आज भी हर एक लड़का और लड़की के बीच में, हालांकि वो पति पत्नी नहीं, उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन शैतान उनको व्यभिचार में फंसाता है, शारीरिक संबंध में फंसाता है, और फ़ोन के द्वारा अडल्ट्रीज में फंसाता है, ताकि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो श्रापित हों, या फिर आने वाली पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ना ले पाए, आने वाली पीढ़ियों में दुष्ट आत्माएं काम करे, व्यभिचार का आत्मा काम करे। अगर व्यभिचार होगा तो परमेश्वर काम ले ही नहीं पाएगा, तो इसलिए शैतान जड़ पर अटैक कर रहा है, नई जनरेशन को,
ये लड़का लड़कियों को व्यभिचार में डालता है ताकि उनके आने वाले बच्चे व्यभिचार में पाप में डूबे रहें और वो परमेश्वर की महिमा सेवा के लिए तैयार ना हो। अगर पाप में डूबे रहेंगे तो खुदा की सेवा वो नहीं कर सकेंगे, खुदा उनको ना तो अपने लिए इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाकर या तो उनको व्यभिचार में पाप में डाल रहा है या छोटी सी उम्र में प्यार प्रेम में लव रिलेशनशिप में डालकर गर्भपात वाली परिस्थितियाँ हो रही थी जिसमें अनचाहे गर्भ हो रहे थे व्यभिचार के द्वारा, और जिसमें मतलब शैतान लड़का और लड़की को पाप व्यभिचार में डालकर पाप में डालकर इस दुनियावी प्यार प्रेम में फंसाकर जो शारीरिक या खासकर एक दूसरे के जिस्म से प्यार करने वाली बातों को लेकर या ईर्ष्या ऐसी जलन को उत्पन्न करने को लेकर वो भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरी गर्लफ्रेंड है 36 बातें और बहुत सी चीज़ों को लेकर लड़ाई उत्पन्न करना, फिर उसके बाद एक दूसरे की हत्या करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार दिया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार दिया, सारी कॉलिंग यही खत्म कर रहा है शैतान। उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा था यूथ को लेकर, लेकिन यूथ इस बात को नहीं समझ पा रहा है, यूथ नहीं समझ पा रहा है उसको, और शैतान ने जड़ पर अटैक मारी है जवान बच्चों को ही पाप में व्यभिचार में। अगर लड़की अगर लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर वो सच में चलो अच्छी बात है गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चलो घर में एक अच्छा अनुशासन दिया गया, लेकिन फिर भी उनके हाथ में जो ये फ़ोन पकड़ा दिया गया है, फ़ोन देना बुराई नहीं है लेकिन फिर भी कितना हम सिक्योरिटी कर सकते हैं, कितना हमने अपना रिश्ता अपने बच्चों के साथ अच्छा बना रखा कि वो हर चीज़ हमसे शेयर करें। सोचने वाली बात है, ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो बच्चे बोलते हैं तुम हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, हमने तो कितनी ऐसी कमाइयाँ सुनी हैं कि बच्चे ने माँ बाप को ही मार दिया, माँ को गोली मार दी बाप की माउज़र से, और एक बच्चा तो गेम खेल रहा था टीवी फ़ोन के अंदर पबजी, बाप ने मना के बाप की तो गर्दन ही काट दी हाथ पर, बहुत मतलब बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया। सोच कर देखो सिर्फ गेम टीवी के द्वारा कॉलिंग ही बुलाहट ही खत्म, शुरुआत से ही पाप और श्रापों में डाल दिया, जेल और बुरी जिल्लत वाली ज़िंदगी। सोच कर देखो नहीं पता चल पा रहा, पति पत्नी से शुरुआत करता था वो, जभी तो कैन और हाबिल की ज़िंदगी में कैन और हाबिल वो हत्या वाला मोमेंट हम पढ़ते हैं, खून पुकारता है, एक ने छोटे बड़े भाई दोनों भाई थे आपस में, एक ने दूसरे को मार दिया, हत्या कैसे आई, शुरुआत कहाँ से हुई, जड़ को पकड़ा क्योंकि उसने उसको पता चल गया था यहोवा ने इस आदम ये है हवा ये है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा एक वंश को उत्पन्न करने के लिए कहा है और वही वंश इस शैतान के सर को कुचलेगा। अब शैतान ने देख लिया अरे अच्छा ये वंश अच्छा तो इसी के द्वारा, अब देखो वंश में ही मैं पाप ले आऊँगा, ये लड़ लड़ कर मर जाएंगे, समझ रहे हो, जड़ पकड़ता है। तो कैन और हाबिल में क्या हुआ था, एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी, हत्या आ गई वहाँ से, समझ रहे हो, और हत्या पाप व्यभिचार और मार काट इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर की आवाज़ बहुत दुर्लभ हो गई, एक व्यक्ति दिखाई दिया परमेश्वर को नोहा, समझ रहे हो, खुदा कुछ कहना चाह रहा है। पति और पत्नी जब देखा आगे चलकर परमेश्वर के कई लोगों ने व्यभिचार किया, व्यभिचार की वजह से परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, और व्यभिचार कितना गंदा पाप था परमेश्वर की दृष्टि में, और यहाँ तक कि मतलब पशुओं के साथ भी व्यभिचार होने लगा था, कई प्रकार की बुराइयाँ उत्पन्न हो गई थी मनुष्य के अंदर, इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो कुछ भी मनुष्य के मन में अंदर उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, मैं मनुष्य की सृष्टि को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने, अब क्योंकि परमेश्वर ने जो देखा वो बुरा था, लेकिन एक व्यक्ति दिखाई दिया, अरे अरे रुको 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 रुको, एक व्यक्ति है नूहा, तू तो सही चल रहा है, चल नूहा एक जहाज़ बना ऐसे ऐसे, इतना लंबा चौड़ा इतना ऊंचा इतना छोटा इतना बड़ा, ऐसा दरवाज़ा बना, ये कर ईच एंड एवरीथिंग सब बता दिया। वहाँ से चलते चलते जनसंख्याएँ बढ़ती गई, जहाज़ बनाया गया, जल प्रलय आया, फिर उसके बाद नूहा और उसके फैमिली आठ जो परिवार थे ये लोग बचे, बचने के बाद धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ती गई। अब उसके बाद शैतान ने शुरुआत से योजना बना रखी थी कि नहीं मैं ब्लेस नहीं होने दूंगा उनको गर्भ के फल से, चलो जी तो रहे हैं ये सारे तो नाश नहीं हुए, चलो जी रहे हैं, अगर जो जिएंगे तो उनको व्यभिचार में डालकर मरवा दूंगा, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़के, व्यभिचार में डाल दूंगा, उनकी मन को इतना कठोर कर दूंगा कि वो पश्चाताप ही ना करें, क्योंकि सदम और अमोरा में कुछ ऐसा ही था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर इनमें से कोई भी एक भी धर्मी है ना, अगर कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा है जो मन फिराकर मेरे पास आए या अपने पापों से तौबा करे तो मैं पूरे देश को बचा लूंगा, लेकिन कोई भी नहीं निकला। वहाँ पर अब्राहम ने कहा था परमेश्वर क्या 50 धर्मी होंगे तो क्या तू बचा लेगा, तो परमेश्वर ने कहा जा ढूंढ ले 50 भी मिल जाए, 40 30 20 10 भी मिल जाए ढूंढ ले जा मिल जाए, तो अब्राहम नहीं ढूंढ सका, अब्राहम शर्मिंदा हो गया, वो हैरान हुआ, और परमेश्वर के न्याय को फिर वो नहीं रोक सका क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। तो शैतान ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाया, अब दूसरा फिर उसने कहाँ अटैक किया, चलो कोई बात नहीं थोड़े बहुत तो लोग बच गए, चलो मैं इनको वंशी उत्पन्न नहीं होने दूंगा। अगर हम पढ़ें तो आदम और अब्राहम को पढ़ सकते हैं, अब्राहम के पास वंश नहीं था, अब्राहम
अब्राहम की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब परमेश्वर काम करने पर आया, परमेश्वर ने शैतान के सारे कामों को कैंसिल करना शुरू किया। अब्राहम की और उसकी पत्नी की जो फाउंडेशंस थी, उनकी सीमाओं को परमेश्वर ने, जो सारा की जो सीमाएं थी, उसका गर्भ धारण करने की स्थिति खत्म हो चुकी थी और उनकी कोख बंद थी, और परमेश्वर ने उनकी सीमाओं को तोड़ दिया और उनको वंश दिया। धीरे धीरे करके वंश आया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी, एक समय ऐसा आया उसका बेटा भी फिर वंश, उसकी बहू भी, अब्राहम की बहू भी फिर वंश थी। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने सभी श्रापों को तोड़ा, रास्तों को खोला, जब जैसे जैसे लोगों ने दुआएं करते गए, परमेश्वर का आत्मा काम करता गया। फिर एक टाइम आया मूसा का, जब मूसा गर्भ में था। अब हम पहला तो समय हमें समझ आ चुका है, आज परमेश्वर पति और पत्नी के बीच में पाप क्यों डालता है, व्यभिचार क्यों डालता है। आज एक पत्नी होने के बाद भी, अपनी एक पति की अपनी पत्नी होने के बाद भी वो दूसरों की पत्नियों को ताका जाकी करता है, दूसरी लड़कियों को ताका जाकी करता है, क्योंकि उसका 101 मिठाई से पेट नहीं भरा है, उसको दूसरी और अच्छी दिखाई दे रही, तीसरी और अच्छी दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि शैतान उसके मन के अंदर ऐसा 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 कुंडली बनाकर बैठा हुआ था। अच्छी होगी तब भी, अगर गलत है तब भी, समझना। यही सेम चीज लड़की के साथ थी, स्त्री के साथ थी, अपने अच्छा पति होने के बाद भी, चाहे अच्छा चाहे गलत है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि हमारा परमेश्वर से दुआ करे मेरा पति गलत है तो बदल जाए, अगर अच्छा है तो मैं सही हो जाऊँ। यही सेम चीज़ लड़का नहीं सोच रहा है कि अगर मेरी पत्नी गलत है तो मैं दुआ करूँ परमेश्वर से, अगर सही है तो मैं सही होके चलूँ उसके साथ, समझ रहे हो। आज एक पत्नी के कितने कितने अफेयर्स, एक पति के कितने अफेयर्स, दुनिया भर का धन है लेकिन व्यभिचार भी, व्यभिचार से भरी हुई जिंदगियाँ थी, और बोलते हैं परमेश्वर हमें आशीष दे। सोचने वाली बात है, परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन आज बात यह है कि आज हम अपने पापों को मानना, आज छोड़ने के लिए क्या हम तैयार हैं या नहीं। अगर आज भी पश्चाताप करके खुदा के पास वापस आए ना, व्यभिचार ने इस तरीके से मन को दावन कहेगा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर पाप ना करना। हालेलुया। प्रभु तो माफ़ करना चाहता है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए कौन आता है, ये मेन चीज़ है। और आज शैतान ने पति पत्नी के रिश्ते को, लड़का लड़की, आज जो जिनकी शादियां हुई हैं वो तक भी करवा चौथ मनाते हैं, ऐसे तीजो त्यौहार मनाते हैं, व्यभिचार करते हैं, माँ बाप को मूर्ख मूर्ख बुद्धू, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं कि माँ बाप को पता भी नहीं है कि बच्चे कहाँ रंग रंगलिया मना कर आ रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चे ट्यूशन से होकर आए, लेकिन पता चलता है कि बियर बार में घूम कर आए हैं। ये वही रिश्ता है। अभी हम बहुत बार इन चीज़ों को सुनते हैं, प्रार्थना के विषय को हम जहाँ हमने जाना है, बहुत बार हमारे पास कॉल्स आए, हमने सुना है लोगों की बातों को, परिस्थिति को, सिचुएशन को हमने जाना है। एक पति की कितनी पत्नियाँ, तीन तीन पत्नियाँ, दो दो पत्नियाँ, और बेचारी पत्नियाँ आंसू बहा रही हैं और बहुत ईमानदारी से चल रही हैं, लेकिन पति बाहर कहीं और स्त्री के साथ मुँह मार रहा है, व्यभिचार, मतलब बहुत सी चीज़ें। लेकिन बेचारी पत्नियाँ बहुत सही हैं, परमेश्वर का डर रखती हैं, अगर पत्नियाँ भी ऐसे ही करने लग जाएँ तो वो भी कहीं जी सकती हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर परमेश्वर का डर है। और कुछ ऐसे पति लोग भी हैं जिनके अंदर परमेश्वर का डर है, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान ने किसी ना किसी एक जने की बुद्धि को करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये शैतान की चाल है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा जो आने वाला है ना गर्भफल, उसके द्वारा यहोवा अपनी महिमा लेगा, इसलिए वो पहले से ही अलग कर रहा है, इसलिए पहले से वह विचार पाप में डाला, ताकि संतान भी व्यभिचार की उत्पन्न हो, अगर हो भी रही तो, लड़ाई दंगे की उत्पन्न हो, अगर हो भी रही तो, जो बाप ने व्यभिचार की, फिर लड़का भी, उसका बेटा भी, उसकी बेटी भी किसी और के साथ सोती हुई पाई जाए। यही तो शैतान की चाल है, क्योंकि व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों तक काम करता है। जो व्यभिचार दाऊद ने किया था ना, अपनी एक स्त्री को छत पर से नहाते हुए देखा था, स्त्री यहाँ पर नहा रही थी, दाऊद छत पे घूम रहा था, होना चाहिए था उसको प्रार्थना में या युद्ध में, लेकिन वो छत पर सो रहा था, आराम कर रहा था, घूमने फिरने के लिए उठा, देखा तो स्त्री नहा रही है, उसको मन जी ललचा गया। शैतान पहले दिखाता है व्यभिचार, चाहे फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, एल्बम्स हो, लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति, लड़की है तो लड़का है तो लड़की। अब दिखाया, व्यभिचार मन में आ गया, अगर देखता नहीं तो मन में नहीं आता, अगर मन में नहीं आता तो पाप नहीं करता, लेकिन उसने देख लिया, उसके मन में आ गया, मन में आने के बाद उसने परिस्थितियाँ, उसने प्लानिंग करी, इसके पति को हम युद्ध में मरवा देंगे और इसको मैं अपनी पत्नी कर लूँगा। परमेश्वर ने कहा था मेरे बच्चे अगर तुम उसे मांगता, क्या मैं तुझे एक और स्त्री ईमानदारी से नहीं देता, लेकिन उसने धोखे से उसके पति को मरवा दिया गलत तरीके से, समझ रहे हो। अगर तुझे अब्राहम शादी करनी थी तो सही तरीके से करता, लेकिन ये तरीका गलत अपनाया, अब्राहम ने व्यभिचार कर दिया, इस स्त्री के साथ जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको वो मर गया, पहली संतान खत्म। और दूसरा, जब आगे चलकर, जब इसने व्यभिचार किया, जब इसके आगे चलकर और भी बच्चे पैदा हुए, तो इसके बच्चों ने आपस में ही, भाई बहन और भी आपस में व्यभिचार प्लानिंग के साथ, जो बीज अब्राहम, जो बीज दाऊद ने बोया था इसकी इसके पति को मरवाने को लेकर, वही बीज उसके बेटे बो रहे थे, वो बीज वो उसके बेटे काट रहे थे, क्योंकि बेटों ने भी एक स्त्री के साथ, मतलब बहन के साथ वो करने के लिए कहीं ना कहीं किसी को मरवा दिया, मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां क्रिएट हुई, जो व्यभिचार का श्राप था वो उसकी वंशों में आया था। जैसे राहब एक वैश्या थी, राहब का व्यभिचार दाऊद की ज़िंदगी में आकर क्लियर हुआ, दाऊद का व्यभिचार उसके वंश में आकर क्लियर हुआ, समझ रहे हो।
इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे क्लियर करना चाहता है, मैं सावधानी बरतने की जरूरत है। शैतान नफरत करता है पति और पत्नी से, क्योंकि उसको पता है पत्नी पति और पत्नी सही रहेंगे तो उनके बाद एक आएगा मेरे सर को कुचलेगा और मैं अपने सर को कुचलने नहीं दूंगा। शैतान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कितने हज़ार साल बीत गए, 400 साल, 450 साल तक तो को इसराइली गुलामी में चले गए, 450 साल तक तो लगभग मान लो गुलामी में चले गए इसराइली फिरौन की, है ना। और दूसरा अगर हम देखते हैं पुराना नियम ख़त्म होने के बाद 400 साल का क्या फिर से आ गया बीच में। ये पुराना नियम है, ये ओटी है, पुरानी है, नया टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम, उसके बीच में फिर से 400 साल का गैप आ गया। यहोवा का दर्शन, उसकी आवाज़ दुर्लभ हो गई, लोग नहीं सुन पाते थे, क्यों? क्योंकि पाप से भरी हुई परिस्थितियाँ थी और पाप की दशा में लोग जीते थे और बचना चाहते थे लेकिन नहीं बच पा रहे थे, सब कुछ खत्म सा हो गया था। बहुत से बार बार इसराइली भटक रहे थे, बार बार इसराइली बच रहे थे, बार बार भटक रहे थे, बार बार गिर रहे थे। परमेश्वर नबियों को खड़ा करता गया लेकिन कोई पवित्र नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं एक यशायाह नबी ऐसा था जिसके द्वारा एक भविष्यवाणी कराई थी कि कुंवारी गर्भवती होगी जो पुत्र को जाने की कुआरी। शैतान हैरान हो गया, अरे कुआरी के द्वारा? मैंने तो सोचा पति पत्नी के द्वारा होगा, यहोवा ने तो कहा था इस स्त्री के एक द्वारा आएगा, तो शैतान ने तो सोचा होगा कि अरे इस स्त्री के द्वारा तो एक पति के द्वारा ही आ सकता है, तो देख पति को तो मैं व्यभिचार में डाल दूं, फिर तो व्यभिचार की संतान कहलाएगा, ये उत्पन्न होगा। तो परमेश्वर ने उत्पन्न करा दी कि एक प्रोफेसी कराई यशायाह के द्वारा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र हो जाएगा। अरे शैतान हैरान हो गया, अरे कुंवारी के द्वारा उत्पन्न करेगा, कुंवारी के द्वारा कैसे हो सकता है ये? तो मैं तो मेरा भी खुद दिमाग घूम गया। शैतान भी सोच रहा होगा, अरे कुंवारी के द्वारा कैसे हो सकता है? जब तक धरती बनी तब तक तो कोई कुंवारी के द्वारा हुआ ही नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये क्या बोल दिया यहोवा ने? अच्छा चलो देखते हैं आगे चलकर। बहुत सारे सताव हुए, विपत्तियाँ ही, परेशानियाँ ही, बहुत बार शैतान ने लोगों की ज़िंदगी में काम किया। 400 साल तक परमेश्वर ने लोगों से बात नहीं करी। फिर यूहन्ना, जकरिया के पुत्र यूहन्ना शायद, फिर कहीं ना कहीं प्रोफेसीज हुई, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया। फिर मरियम की कोख के अंदर यीशु आया, यहोवा की पवित्र आत्मा की, परमप्रधान की आत्मा उसके ऊपर छाया करी और वो कुंवारी गर्भवती हुई, उसके पेट में यीशु बालक उत्पन्न हुआ जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था, गर्भ ही से, जिसके अंदर बाप के सिम्टम्स पाए जाते थे, समझ रहे हो? बाप की सामर्थ, बाप की आत्मा। हालांकि उसने अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था, वो तो बहुत दूर रहते थे, गैप में थे, डिस्टेंस में थे, क्योंकि भय मानते थे। और एक स्त्री थी जो परमेश्वर का डर रखती थी, ये वो स्त्री थी, हालेलुया। और इस स्त्री ने कहा प्रभु के वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में, जब इसने स्वर्गदूत की आवाज़ को सुना, हालेलुया। तो शैतान को खलबली मची, अरे गर्भ का फल। आज बहुत बार अबॉर्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि शैतान को पता है और परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। और अगर हम नए नियम में पढ़ते तो कहीं ना कहीं ये भी बात हमें पता चलती है, परमेश्वर पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रहा है। अब पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जब इन गर्भ में पल रहे बच्चों के अंदर प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह इन बच्चों के अंदर प्रकट होगा, तो उनके द्वारा बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ शुरू होंगी, शैतान का राज्य गिराया जाएगा, शैतान के काम नष्ट होंगे, कि अंदर अवेश होगा, गंदी बदरू जलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और लोग छुड़ाए जाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, वहाँ से लोग छुड़ाए जाएंगे, अधोलोक से निकाले जाएंगे, मतलब जो अधोलोक की तरफ जा रहे थे आग के भट्टे में से, परमेश्वर अपने उस एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा आग के भट्टे में से निकालने के लिए। परमेश्वर उस एक व्यक्ति को जो गर्भ में पल रहा था, आगे आने वाले समय में उसको बड़ा करके परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर प्रकट होगा और परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब कि परमेश्वर का आत्मा उन लोग बच्चों के अंदर होकर काम करेगा। इस परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाढ़ होने के लेकर इसके कई प्रकाशन है, लेकिन इसका एक हम ये भी समझ सकते हैं कि खुदावन, क्योंकि यीशु ने कहा है स्वयं पिता अपने आप को उस पर प्रकट करेगा, है ना, पिता और पुत्र अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे। किस पर प्रकट करेंगे? जो यीशु की आज्ञाओं को मानता है। और शैतान नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पैदा हो वो यीशु की आज्ञा माने, इसीलिए वो शुरुआत से ही गर्भ धारण होने नहीं देता। कोई ना कोई परिस्थितियाँ, कोई ना कोई अटैक्स, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा के काम, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई शैतान की चाले, कोई ना कोई गड़बड़ियाँ, कोई ना कोई अबॉर्शन के रीजंस, समझ रहे हो, ना चाहकर भी परिस्थितियाँ क्रिएट होती ही थी। गर्भ का फल नफरत करता है शैतान, क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं मूसा कौन था, मूसा जब पैदा हुआ तुरंत शैतान ने फिरौन के मन में बात डाल दी, अरे फिरौन देख इसराइलियों की गिनती बहुत बढ़ गई है, तेरे लोग तो गिने चुने हैं लेकिन इसराइली तो बढ़ते जा रहे हैं, अब एक काम कर, लड़के पैदा जो हो रहे हैं उनको मरवा दे। तो उस समय मूसा भी पैदा हुआ था, परमेश्वर ने योजना बनाई थी मूसा के द्वारा बचाऊंगा, और शैतान ने योजना बनवा दी इसके द्वारा, शैतान ने एक चाल चल दी फिरौन के द्वारा कि जितने भी लड़के पैदा हुए सबको मरवा डालो। देखो शुरुआत में भी इस बात को हम पढ़ सकते हैं, लड़के जब पैदा हुए, जब मूसा पैदा हुआ उसको कहाँ डाल दिया गया? एक टोकरे के अंदर, लकड़ी के टोकरे के अंदर डाल दिया गया, उसको बहा दिया गया, वो कहाँ पहुँचा?
फिरौन की बेटी के वहां पहुंच गया बहते बहते, और कहां पलवा दिया परमेश्वर ने, शैतान की चाल को उसी के सर पे उल्टा दिया, और मूसा को जो छोटा सा बच्चा था उसको फिरौन के घर में ही पलवा दिया, बड़ा कर दिया। देख रहे हो, लेकिन इस बात से हमें पता चलता है शैतान की चाल को तो परमेश्वर ने कैंसिल कर ही दिया, वरन अपने अपने अभिषिक्त को भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये बात हमारे लिए एक सावधानी को, चेतावनी को क्रिएट करती है, हमें सावधान होने की जरूरत है। माँ के घर में पल रहे बच्चे के विषय में, अगर बच्चा जन्म ले चुका है तब भी उसको वचन की शिक्षा देनी है, बुराई से बैर करने के लिए और परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलाने के लिए उसको हमें तैयार करना है कि वो बुराई में हाथ ना मिलाए, वरन बुराई से बैर करे, परमेश्वर के मार्ग पर चले, प्रभु की इच्छा को पूरा करे, डर रखे, आत्मा प्रार्थना सावधान और वचन में प्रार्थना आत्मा में परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर और सावधान रहे, ताकि वो आगे चलकर पाप न करे, वरन जिस योजना के तहत यहोवा ने उसको चुना है, बुलाया है, भेजा है धरती पर, उसको पैदा करवाया है, अपनी आत्मा से उसको ब्लेस किया है, उसको नियुक्त किया, उसको तैयार किया, उसकी योजना बनाई है, तो उसी बुलाहट के लिए वो अपने अपनी आप को परमेश्वर के लिए दे, उसी योजना को पूरा करे। हालेलुया। दूसरा बता दिया ना, गर्भ का फल। शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि गर्भ का फल, पहली बात तो कि यही वो चाहता है कि किसी को बच्चे की आशीष ना मिले। कई बार किसी की ज़िंदगी में श्राप काम करते थे, पूर्वजों के चले आ रहे, बाप के बच्चा नहीं हुआ और उसके बच्चा नहीं, फैमिली में खानदान के इसके बच्चा नहीं हुआ, है ना। शैतान की तो चालें हैं कहीं ना कहीं कर्ज देना, लेकिन इस बात को परमेश्वर हमें बतलाना चाहता है, कई बार बच्चा होने के बाद भी अबॉर्शन क्यों होते थे, हमने बहुत सी गवाहियाँ सुनी है, कई एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कई बार बच्चे हो गए लेकिन पैदा नहीं हो सका, अबॉर्शन पे अबॉर्शन, अबॉर्शन पे अबॉर्शन, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई योजना बना रखी है खुदा बाप ने उस बहन के द्वारा कि एक वंश उसके द्वारा उत्पन्न हो, एक व्यक्ति उसके द्वारा उत्पन्न हो, एक स्त्री एक पुरुष उसके द्वारा उत्पन्न हो, ताकि वो बड़े बड़े कामों को करे, लोगों को छुड़ाए, आश्चर्य कर्म करे, मुर्दों को जिलाए और शैतान के राज्य का नाश करे। आमेन। ध्यान रखना इस बात का, मेरी हमारी भी एक गवाही है। सोच कर देखो, एक स्त्री है जो प्रेग्नेंट है, एक स्त्री है जो प्रेग्नेंट है ना, और ये स्त्री है वो प्रेग्नेंट है। अब इसको उदाहरण के तौर पर इसको बोल दिया जाए, तेरी डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होगी, अस्पताल में नहीं होगी, तेरे लिए एम्बुलेंस नहीं आएगी, एम्बुलेंस नहीं आएगी, ठीक है, तेरी डिलीवरी घर पे नहीं होगी, घर पे नहीं होगी, तेरी डिलीवरी के लिए दाई भी नहीं होगी, दाई भी नहीं होगी, आखिरी से चल रहा है, चंद घंटे हैं इसके पास। सोच कर देखो कितनी खतरनाक परिस्थिति थी, ये मेरी वाइफ के साथ हुआ था, और मेरी वाइफ की डिलीवरी गाड़ी के अंदर हुई थी, ओला के अंदर, मैंने ओला बुक किया था। देख रहे हो, जब मेरी बेटी उसके गर्भ में आई ना, तो कई लोगों ने परमेश्वर की महिमा के लिए विजन्स देखे घर में आने के बाद में, हाँ जब पता नहीं डिलीवरी के दौरान, पता नहीं घर में आने के बाद कुछ ना कुछ देखा था कि एक रोशनी चमकी थी, रोशनी, और परमेश्वर की आत्मा ने काम किया, उसके लिए एक योजना बनाई थी मेरी बेटी के लिए, और वो योजना नज़र आती है, आज हम देखते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी बेटी को परमेश्वर ने सही सलामत रखा आज भी, और सदा रखेगा आपको और हमें और मेरी पत्नी को भी। मेरी पत्नी का जो ब्लड ग्रुप था RH नेगेटिव था, रेयर ब्लड मिलता है, और बोल दिया था जब दो महीने की प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, उसी से मैं बोल दिया था भैया तू तो पहले से ही ब्लड का इंतजाम कर लियो, 6-7 महीने पहले ही बोल दिया था। सोच कर देखो, और जब यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक ने रेफर कर दिया था, जब मेरी वाइफ को वापस घर पर ले आए थे, हालात ख़राब हो गए थे, एम्बुलेंस बुक करी, एम्बुलेंस नहीं, दाई का कुछ पता नहीं, अस्पताल कैसे लेकर जाएं, नहीं कंफर्मेशन था कुछ अस्पताल में लेंगे या नहीं लेंगे, और घर पे भी कोई दाई का अरेंजमेंट नहीं था, मेरी मम्मी और मेरी पत्नी थी और प्रभु हमारे साथ था, है ना। एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस तक नहीं आई एम्बुलेंस, फिर मैंने ओला बुक की, टाइम पर टाइम निकला जा रहा था, हालात बिगड़ते जा रहे थे, खुदा बाप ने संभाला क्योंकि उसको पता था एक योजना है, समझ रहे हो, और मेरी वाइफ को ब्लड की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, ये सच्चाई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यीशु के टाइम पर भी ना, जब यीशु माँ के गर्भ में आया था ना, तो शैतान ने योजना बनवा दी थी, समझ रहे हो, लोगों के मनों में डाल दिया था, अरे एक आ रहा है, अरे राजा सुन, पता नहीं कौन था, मैं ध्यान से उतर गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, अरे देख एक राजा उत्पन्न होगा, एक राजा उत्पन्न होगा, एक राजा उत्पन्न होगा, राजा उत्पन्न हुआ है, राजा उत्पन्न हुआ है, अरे कौन राजा हुआ है, अच्छा देखते हैं कौन राजा हुआ है। तो यीशु के टाइम पर भी ये योजना बना दी गई थी, कौन सा राजा उत्पन्न हुआ है, किससे तुम मिलने जा रहे हो, चलो मारो उसको, कौन है मेरे अलावा, कौन राजा हो सकता है, वो यीशु था, यीशु के बारे में सारी जगह वो मच गया था,
मतलब दहलका मच गया था कि यीशु पैदा हो रहा है, यीशु कुंवारी के द्वारा एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक राजा उत्पन्न होगा, यहूदियों का राजा, मतलब राजा राज्य करेगा, मतलब बहुत सी शब्द थे। वो चीज़ खुलकर मुझे प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे मती की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक, नए नियम में पढ़ें तो हमें वो सुनने के लिए मिलती है, पढ़ने के लिए मिलती है ना। यीशु तक का भी विरोध किया गया था जब यीशु गर्भ में था, तो यहाँ तक कि मरियम को फिर कभी कहाँ से कहाँ ले जाया गया, कभी कहाँ से कहाँ ले जाया गया कि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी इनके ऊपर कोई विपत्ति ना ले पाए, कोई इनको जान माल क्या नहीं ना करने पाए। परमेश्वर ने योजना बनाई, हालेलुया, समझ रहे। लेकिन यीशु पैदा हो गया और उसी यीशु के हम बेटे हैं, समझ रहे हो। और शैतान को नफरत है, क्यों? अब पहले पति पत्नी से, दूसरा घर में पल रहे बच्चे से। देखो यीशु तो हो गया पैदा, नहीं रोक पाया शैतान। अब पैदा होने के बाद जब यीशु ने अपनी सेवा का कार आरंभ सेवा का काम आरंभ करना शुरू करने की कोशिश की ना, अब यीशु 30 साल का हुआ, यीशु ने उपदेश देना शुरू किया। हाँ, ये तो 30 साल का हुआ, पर तीसरे नंबर पे शैतान क्यों डरता, क्यों नफरत करता है, क्यों नफरत है शैतान को तीसरे नंबर की इस बात से कि पवित्र सेवक, पहला पवित्र सेवक से जिनका अभिषेक हो चुका है और दूसरा जिनका होने वाला है, समझना, जिनका अभिषेक हो चुका है, जिनका अभिषेक होने वाला है, और तीसरा इस बात पे, इस पॉइंट पर आएंगे हम, ध्यान से समझना। खुदावन बहुत गहरी बातों को समझा रहा है आज हमें। बोलो हालेलुया, बोलो खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई है, मेरे लिए जिंदगी में जो विरोध हो रहा था परमेश्वर मैं समझ गया, क्योंकि यीशु का भी विरोध हुआ और मूसा का विरोध हुआ, मूसा को तो मारने तक की प्लानिंग हो गई, यीशु को मारने तक की प्लानिंग हो गई प्रभु, मतलब बोलो, समझो उस बात को, है ना। तो खुदा से बोलो, खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई है, मैं तेरा अभिषेक हूँ, मैं तेरी अभिषेक हूँ, जो योजना तूने बनाई वो नजर आएंगी, तो शैतान की चाल को उसके सर पे उल्टा देगा। चाहे जो आज मेरा कितना भी विरोध कर रहे थे, चाहे कोई भी मेरा कितना भी विरोध कर रहा था, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, या मेरा विरोध कर रहा था, या किसी ने मेरे को मारने की भी प्लानिंग कर ली थी, या कोई भी प्लानिंग थी मेरी आज तक भी, जीवन जीने के बाद भी, चाहे कितना भी बड़ा हो गया, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे अपने दिल दुखा रहे थे, चाहे अपने विरोध में थे, चाहे दोष लगा रहे थे, बुराइयां कर रहे थे, कमियां निकाल रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, चाहे कैसी परिस्थिति कि मैं मर जाऊं, लेकिन नहीं मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तूने मेरे लिए एक योजना बनाई है, यहोवा ने मेरे लिए एक योजना बनाई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मां के घर में आने से पहले ही उसने मुझे चुन लिया है, मेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। तो तीसरे नंबर पे शैतान नफरत कैसे करता है? चलो पति पत्नी ठीक है, चलो कैसे ना कैसे करके पवित्र जीवन जीने के द्वारा बच्चा उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि मूसा हो गया। और अगर हम उदाहरण में देखें, जब मूसा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद परमेश्वर ने उसको संभाला, और अगर हम देखें जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती हुई थी स्त्री मरियम, वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चलो पैदा हो गया, समझ लेते गर्भ का फल पैदा हो गया, फिर भी शैतान ने नहीं छोड़ा था, उसको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचा लिया खुदा बाप का आत्मा, खुदा के दूत उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए थे, शैतान के कामों में गड़बड़ियाँ फैल गई। और तीसरे नंबर में चलो पैदा तो हो गया, चलो शैतान सोचता चलो पैदा तो हो गया, लेकिन अब देखना उसको सेवा नहीं करने दूंगा, सेवा करी तो मेरा राज्य चौपट हो सकता है। तो सेवा में जब एक विश्वास, जब वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, विश्वास में आता है एक विश्वासी, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहला मेन टॉपिक पे चलते हैं। जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ, यीशु मसीह की उम्र 30 साल की, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, पानी की डुबकी ली उन्होंने, और उन्होंने पानी की डुबकी ली, और फिर उसके बाद वो खड़े हुए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के नहीं उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ऊपर परिपूर्ण हो गए। उसके बाद उन्होंने सेवा का कार्य शुरू किया, सेवा करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला प्रचार किया स्वर्ग का राज्य निकट है, है ना, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, पापा से तौबा करो। शैतान को नफरत थी, सेवा सेवा शुरू करने से पहले पता क्या हुआ था, कुछ हुआ था, आपको पता है, परीक्षा, यही तो चीज़ थी। जब ही तो एक सेवक को खड़े होने में शैतान ने डी चोटी का जोर लगा था कि वो खड़ा ना हो सके। अभिषेक तो खुदा बाप ने पहले ही कर दिया था जब वो माँ के गर्भ में था, यीशु आपका और मेरा अभिषेक तो खुदा बाप ने पहले ही कर दिया है, लेकिन सेवा को शुरू होने से पहले शैतान परखता है, प्रूफ करके दिखा कि तू सच में परमेश्वर का पवित्र सेवक है क्या, समझ रहे हो। बहुत से सेवक वे विचार में, पाप में, रिटाई में, या घमंड के कारण, या किसी न किसी लालच के कारण, किसी न किसी गलत डिसीजन मेकिंग चुनाव के कारण, या गलत गलत राह में जाने के कारण, गलत चीज़ों में हाथ डालने के कारण वो गिर जाते थे और वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते थे।
और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही तो है। अगर हम शिमशोन के बारे में पढ़ते, शिमशोन हमारे पास खुला उदाहरण है। शिमशोन के बारे में खुदा बाप ने कहा था, यही शत्रुओं से मेरे लोगों को बचाएगा, शत्रु के देश शत्रु लोगों को तितर बितर कर देगा, उठा पटक देगा, मतलब बहुत कुछ। परमेश्वर ने शिमशोन को किसी न किसी इज़राइल की रक्षा सुरक्षा के लिए चुना था, ब्लेसिंग के लिए, रक्षा सुरक्षा प्रोडक्शन के लिए, आशीष का कारण बनाने के लिए। लेकिन शिमशोन को ही शैतान ने व्यभिचार में डाल दिया, वो भी शत्रुओं की स्त्री के द्वारा। वह विचार में चला गया और शिमशोन तो फंसा ही फंसा, उसके लोग भी फंस गए, समझ रहे हो। अब शैतान ने उसको कैसे फंसाया, हालांकि वो चुना हुआ था, ये अनॉइंट हो चुका था। इसलिए बताया ना, पहला अभिषेक जिसका हो चुका है, यीशु ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, आत्मा उसके ऊपर आते के साथ लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उसको जंगल में लेकर गया ताकि उसकी इबलिस से परीक्षा हो सके, ताकि वो शैतान के सर को कुचल सके, ताकि क्योंकि इबलिस अपने ऊपर घमंड ना कर सके इस बात का कि हाँ मैं इसको गिरा दूंगा, ले चल इबलिस के पास ही लेकर आते हैं, ले ले जितनी टक्कर ले सकता है तू मेरे मेरे पुत्र यीशु से, समझ रहे, क्योंकि बाप ने यीशु की गवाही दी थी, मेरा प्रिय पुत्र मैं इससे प्रसन्न हूँ। आज एक एक और व्यक्ति था जिसके बारे में यहोवा ने गवाही दी है, वो था अय्यूब। जा परख ले मेरे अभिषिक्त को, खरा है, कितने सारे शब्द बोले, खरा है, बुराई से वैर करता है, मेरा भय मानता है, विश्वास योग्य है, धीरज, ऐसी कुछ बोला था, है ना। जिनका अभिषेक हो चुका है उनसे नफरत करता है, जैसे कि शिमशोन, जैसे कि शाउल, कहीं ना कहीं पाप में गिरा दिया, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल किया, चाहे किसी प्रकार से वचन के विरुद्ध में पाप करा दिया, चाहे नाकेकारिता करा दी, किसी ना किसी प्रकार से कोई गलतियां करवा दी जिसके कारण वो प्रभु के लोग गिर गए। जैसे कि दाऊद का अभिषेक हुआ था, बहुत पावरफुल तरीके से हुआ था, शेरों भालों को मारने वाला व्यक्ति सिर्फ एक छोटे से व्यभिचार के कारण गिर गया, अपने ही पाप के कारण गिर गया, उसको कोई दूसरा नहीं मार सका, समझ रहे हो, अपने ही पाप के कारण गिर गया। शिमशोन का क्या हुआ था, है ना, उसका अभिषेक हो चुका था, वो पवित्र परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया था, सेवा के लिए चुन लिया गया था, लेकिन शैतान ने देखा, अरे ये तो मेरे राज्य को नाश कर रहा है, चलो पहले इसी को पकड़ते हैं, इसी के बाल काटेंगे, समझ रहे हो। बाल काटने का मतलब है उसकी उस प्रॉमिस को तोड़ देना जो उस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति करना था। हालेलुया। इसलिए और दूसरा जिसका अभिषेक होने वाला है, जो सेवा के लिए तैयार हो रहा है ना, उसको भी शैतान चाहता है कि वो तो अभी तो लड़की बाजी में पड़े, पहला तो वे विचार में पड़े, दूसरा तीसरा वो लालच में पड़े, चौथा वो परमेश्वर को समय ना दे पाए, पांच वो इतना ऐसा फंस जाए चारों तरफ से शैतान उसको ऐसा घेर के मारे कि वो सुसाइड के अलावा कोई और साइड नजर ना आए उसको। सूती लिखा यहाँ तो सुसाइड, SUSID, शायद ऐसे लिखते होंगे, आप शब्द समझना, बस लिखने पर ध्यान मत देना, है ना। तो पांचवा सुसाइड, अगर सुसाइड समझ में नहीं आ रहा है, सुसाइड नहीं करी, सुसाइड से बच गया है, तो छठा खुदा को छोड़ दे, सातवा संगति छोड़ दे, है ना। ये चीजें एक विश्वासी की जिंदगी में कैसे, अगर घर वालों का विरोध नहीं है तो बाहर वालों का विरोध होगा, बाहर का नहीं है तो घर का होगा, अगर घर का नहीं है तो परिवार का होगा, फैमिली का, कि तूने धर्म बदल लिया, तेरे बेटे ने तो धर्म बदल लिया है, तेरा बेटा कैसा है, तेरी बेटी कैसी है। अगर बाहर परिवार वालों का नहीं है तो गली वालों का होगा, अन्य जाति का, अगर अन्य जाति का नहीं है तो कलीसिया का, अगर कलीसिया का नहीं है तो दासों का, दासों का नहीं है तो फिर मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण कहीं ना कहीं फंस जाता है, खिंचकर फंस कर अभिलाषाओं में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जानती है, फिर पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। कहीं नहीं छोड़ रहा था वो, कौन ये, कम समझ रहे हो क्या, जो वचन है वो बता रहा हूं आपको, ये कम उनके लिए, कम तो क्या, ये जीरो तो उनके लिए था जो यीशु का, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल पड़े हैं, जो गंभीरता से पवित्रता से जीते हैं, जो भय मानते हैं, बुराई से बैर करते हैं, जो सही डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो अपनी लाभ की वस्तु को अपनी हानि के समझकर खुदा के लिए जीते हैं, त्याग देते हैं सब कुछ। ये नहीं कि अपने घर बार को छोड़ के त्याग के संन्यास लेने चले गए, वो वाला त्यागना नहीं, समझना क्या कहना चाह रहा प्रभु का आत्मा, स्पिरिट में आत्मिक रूप से समझो उन बातों को, है ना। शैतान उनके पैरों के नीचे है जिन्होंने संसार के ऊपर जय पा ली है, संसार के अभिलाषा, संसार के काम, संसार की वस्तु, संसार की चीज़ों, उन संसार की चीज़ों का एक एक विक्टोरियस जयवंत विश्वासी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ सकता, क्यों, क्योंकि उसने अपना क्रूस उठा रखा है। मेन चीज़ तो यही है ना, यही तो खतरनाक चाबी है, क्रूस, जिसने क्रूस उठा रखा है उसको शैतान या संसार दबा नहीं सकता है।
लेकिन जिसने क्रूस नहीं उठा रखा, जिसने किसी चीज़ को, व्यक्ति को, वस्तु को, प्राणी को, किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मूर्ति बना रखा या कोई अभिलाषा या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो शैतान उनके नीचे नहीं था। शैतान उनके अगल बगल, दाएँ बाएँ, अप एंड डाउन, अगल बगल कहीं ना कहीं था, समझ रहे हो। तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए जिनका अभिषेक होने वाला है तो उनको या तो पहले ही व्यभिचार में या दूसरे काम, अगर सब चीज़ों में सही चल रहा, पवित्रता में चल रहे, तो वो समय नहीं दे पाते प्रभु को। इतना थका देता है कि जो उनकी प्रेयर लाइफ होती, जब उनको प्रार्थना करनी चाहिए, वो टाइम उनका ख़त्म, वेस्ट। कि जब उनका कॉलिंग का, बुलाहट का समय आता है तो ख़त्म ख़त्म एंड ख़त्म। जब उनको डिसीजन करना होता है, उस समय वो समय उनका ख़त्म, खाली, टाइम वेस्ट, समझ रहे हो, टाइम वेस्टर। शैतान का काम सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करता है वो, डिले। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, शैतान पति से और पत्नी से नफरत करता है सबसे पहले। अगर आपके बीच में तुरंत लड़ाई हो रही ना, कैसी भी कोई बात थी, तुरंत एक जना चुप हो जाए, चाहे पति झुक जाए, चाहे पति झुक पत्नी झुक जाए। अगर आप जीना चाहते हो खुदा के लिए, अगर आप सेट एग्जांपल बनना चाहते हो, तो एक दूसरे को उंगली उठाना बंद करके अपने आप को, चाहे ये सोच लो मेरे पति की पत्नी के अंदर एक कमियाँ थी तो मेरे अंदर 10 कमियाँ थी। अगर खुदा मेरे अंदर कमी जांचने आ गया तो मैं तो कहीं खड़ा नहीं रह सकता। सॉरी प्रभु, मुझे दूसरे के अंदर उंगली उठाने से पहले मुझे अपने आप को देखना चाहिए। चाहे भले ही उस समय मैं सही हूँ, लेकिन चुप लगाना उस समय भला है, तो क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि कब किसको फाड़ खाए। छोटी सी बात का पतंगड़ बनते ही कोर्ट केस, लड़ाई, दंगा, बैर भाव, हत्या हो सकती थी, गलत डिसीजन हो सकते थे, वे विचार में गिर सकते थे, पाप में गिर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। इसलिए ऑन द स्पॉट उन बातों के लिए कोई भी एक पति या पत्नी, एक जना चुप हो जाए, नम्र और दीन हो जाए, या अपने आप को भले काम में बिजी कर ले, ना ही टोन मारे, ना झट क्रोध करे, ना तो ना कर जवाब दे, नम्र और दीन रहे। चाहे वो भले ही पत्नी है, चाहे वो पति है। अगर पति है तो बड़े होने का हक ना जाता है, जितना बड़ा हो रहा है। जब पति नाम है तो उसको और नम्रता में आए, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे, ताकि उसके व्यवहार से उसकी पत्नी जो कठोर थी बदल जाए। और आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? चलो प्रार्थना करते हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया, मैं भी आपको दिल से माफ़ करता हूँ, आप मुझे भी दिल से माफ़ कर दो। अभी हम चलो प्रार्थना करते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। ऐसे क्यों नहीं करते हम लोग? दूसरा, गर्भ का फल। गर्भ का फल एक उसे भी कह सकते हैं जो मान लो 20 साल का इंसान है, अब वो विश्वास मसीह में पहली बार कल विश्वास में आता, तो एक तरीके से एक छोटा सा एक फल है अभी। अब वो आगे बढ़ेगा, वचन सीखेगा, प्रार्थना करना सीखेगा, आराधना, प्रार्थना, वचन, शिक्षा पाना, देना, वचन प्रचार करना, उपवास में आना सीखेगा, तो बड़ा होते जाएगा। तो 3-4 साल में वो परिपक्व हो जाएगा, फिर उसकी बुलाहट शुरू होगी, फिर वो पवित्र सेवक के लिए, पवित्र बड़ी सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसका अभिषेक या तो होने वाला होगा या हो चुका होगा, तो उस दौरान शैतान उसको गिराने की पूरी कोशिश कर सकता था। अगर वो जय पा गया, अगर वो मान लो चलो गिर भी गया, लेकिन प्रभु परमेश्वर ये बात बताना चाहता है, पहली बात तो हमें सावधान होना है, अगर पाप में गिर गए तो बहुत कुछ खो सकते थे। इसलिए प्रभु चाहता है खो मत, दूसरों के गिरने से सीख लो, गिरने से सीख लो, सीख लो, ये लो, सीख लो लिखना था, सीख लो लिख दिया, चलो कोई नहीं, अभी आप ऐसे ही समझ लो, सीख लो, सीख लो, गॉड ब्लेस यू, है ना, दूसरों के गिरने से सीख लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो जो 30 साल का, 40 साल का, 15-20 साल का अनुभव जो दूसरों जिंदगी, दूसरे लोगों ने लिया था, बहुत कुछ खो दिया था, अगर वो हम अनुभव हम 2-5 मिनट 10 मिनट में ले लेंगे ना, तो हम गिरने नहीं पाएंगे, हम उतना सब कुछ खोने नहीं पाएंगे। वरना हम खुद दूसरों के गिरने से हम सीख कर हम और ऊँचे बढ़ जाएंगे, उन करेक्शंस को करके, उन बुराइयों को ख़त्म करके, उन कमियों को निकाल कर, उन कड़वाहटों को, उन ईर्ष्या को, उन जलन को, उन नामाफे की बातों को, उन बुराइयों को अपने अंदर से निकाल देंगे। अरे इस चीज़ के कारण देखो वो व्यक्ति गिरा था, ये चीज़ तो मुझे करनी नहीं भाई, मुझे ऊपर से नहीं गिरना, मुझे मेहनत को कूड़ा नहीं करनी है, समझ रहे हो, हालेलुया। तो परमेश्वर बतलाना चाहता है, शैतान सबसे ज़्यादा नफरत जो करता है वो 3 लोगों से करता है, देख सकते हो। आज सताव क्यों था विश्वासी पे? जब यीशु मसीह जिसने लोगों को खिलाया पिलाया, अच्छे से पालन पोषण दिया, यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियाँ, उन्हीं लोगों ने यीशु के बारे में बोल दिया इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। सोचो जिसके साथ यीशु मसीह ने खाना पीना खाया, और जो लोग कह रहे थे होसना होसना इज़राइल का राजा आ गया, इज़राइल का राजा आ गया, कुछ दिन बाद वही कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो आप और मैं क्या सोच सकते हैं? अचानक एक एंटीक्राइस्ट, एक डीमन स्पिरिट्स ने काम किया, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, सारे अच्छे काम भूल गए यीशु के। कहीं हम भी उन्हीं लोगों की तरह तो नहीं थे कि हम बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, हम बार बार हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है हम उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, हम मतलब बार बार उसको पापी ठहराकर अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पापी हैं, अरे नहीं तो सही, हम झुक नहीं रहे, हम नम्र और दीन नहीं हो रहे हैं, है ना।
समझ रहे हो, दूसरे के पाप गिना रहे हैं, हम करेक्शंस में नहीं आ रहे हैं। परफेक्ट कोई नहीं, लेकिन प्रभु चाहता है जस्ट रिपेंट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो और तुरंत भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, पश्चाताप करो और आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। अब उस यीशु ने जब उन परिस्थितियों को सहा, हमारे लिए एक सेट एग्जाम्पल बनकर गया वो यीशु क्रूस पर, उसने माफ़ किया, तो आपको और मुझको क्यों नहीं करना है, अगर हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना है तो। हालेलुया। समझ रहे हो आप लोग, ज़रूरी है, आपकी बड़ी बुलाहट है, अभी नज़र नहीं आ रहा। मूसा तक को नहीं पता था उसकी 80 साल की उम्र हो चुकी थी। अगर आपकी उम्र चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, आपको नहीं पता है। और खुदा तो अपना काम और ज़ोर से करना चाहता है, वो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहता, अब तो और बढ़कर करना चाहता है, लेकिन उसकी योजनाओं को हमें समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। सॉरी एवरीवन, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा समझने की। अगर हम इस बात को समझ गए ना, तो आगे को हम गंभीर होकर है ना, हम सही चल सकेंगे और हम कभी गिरने नहीं पाएंगे, ना ही कुछ खोने पाएंगे, ना ही कुछ हमारी ब्लेसिंग डिले होगी। अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी से एक नई शुरुआत करनी है। नफरत करता है शैतान 3 बातों से। पहला, पति पत्नी से, ठीक है। दूसरा, नफरत करता है वो बच्चे से, गर्भ फल से। तीसरा, पवित्र सेवक। समझ रहे हो, क्योंकि शुरुआत यहाँ से यहाँ ही होती है, और इससे नफरत करता है। शैतान नहीं चाहता कि कोई यहाँ तक पहुँचे, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो शैतान का राज्य गिरा दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो अगर आप आज सेवा करना चाहते हो, कितना भी विरोध था, कितना भी आपकी कमियाँ निकाली जाती, चुप लगाओ, सिर्फ प्रार्थना बढ़ाओ, संगति बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है कहीं से टूट रहे थे, उपवास बढ़ाओ, प्रार्थना बढ़ाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना उपवास। प्रभु के एक दास ने कहा था, एलिया को देखो, एलिया ने 3 साल तक वही मीट रोटी और नाले का पानी पीता रहा, उसने चूं तक नहीं करी। समझ रहे हो, एलिया परमेश्वर का पवित्र नबी था, वो चाहता तो वो जा सकता था, क्योंकि वो खुदा का सामर्थ्य जन था, उसको सब लोग जानते थे। वो चाहता था कि जाके किसी से मांग चाहता था, मुझे रोटी दे दो, पानी दे दो, लेकिन नहीं मांगा, बस वो प्रार्थना और उपवास, जिस बात के लिए खुदा ने उसको ठहराया था, बस वो लगा रहा, पास प्रार्थना पर। समझ रहे हो उस बात को, कहने का मतलब, हर चीज़ का एक राइट टाइम है, लेकिन एक राइट टाइम आया, खुदावन ने एलिया को भेजा। एलिया, चल बहुत लंबा समय का तुझे मैं सारपत की विधवा के पास भेजता हूँ, मैं तुझे गर्म रोटी खिलाऊंगा और मैं उसको भी ब्लेस करूंगा और तेरे द्वारा मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। समझ रहे हो, राइट टाइम रखा है आपका। जो विरोध करने आ रहे, जो मारने के लिए आ रहे थे एलिया को, सोचो उन्हीं के द्वारा खुदावन ने, मतलब उसी एलिया को परमेश्वर ने उन्हीं के लिए आशीष का कारण बना दिया, पानी को बरसा दिया उसी एलिया को, और लोगों ने देखा कि सच में खुदा का सच्चा पाक पवित्र नबी है। हालेलुया। विरोधियों फेवर में आए, कटोरे दे नम्र हुए और शत्रु मारे गए। अब प्रभु आपको, मुझे एक बात कहना चाहता है, वी नीड टू, हमें ज़रूरत है कि हम सावधान हों। पहला, पति और पत्नी, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई हो रही है, चाहे कोई रीज़न है या नहीं है, लेकिन एक जना कोई चुप हो जाएगा ना, तो लड़ाई खत्म। प्रार्थना से शुरू करो, एक नई शुरुआत करो, टाइम मत लगाना। डिस्टेंस हो गया ना, तो वहीं बीच में, पति और पत्नी के बीच में शैतान खिचड़ी ना पका दे मन में आकर, ये अरे तेरी पत्नी ने ये कर दिया तो वो कर दिया, अरे ऐसा हो गया, अरे छोड़ना ये वो 36, भले ही ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन ऊपर से मन में वो गड़बड़ियाँ डाल रहा है, खाली पुलाव पका रहा है, इससे पहले कि शैतान तुम्हारे बीच में काम, पति पत्नी के बीच में काम करे या किसी मनुष्य के बीच में काम करे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ, चाहे माता पिता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी भाई बहन है, चाहे कोई भी मनुष्य है, चाहे भाई भाई है, चाहे प्रभु के दास दासी कलीसिया, कोई विश्वासी है, विश्वासी के साथ कोई भी ऐसी लग रहा है खिचड़ी पकड़ी है, तो तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर खुद झुक जाए, चाहे वो आपको माफ़ करे या ना करे, लेकिन आपका रिश्ता खुदा के सामने साफ हो जाएगा और आपके लिए खुदा की ओर से आशीष आएगी, खुदा देखेगा और शैतान आपको टच नहीं कर सकेगा। ध्यान रखना, यह हकीकत है, क्योंकि आपने माफ़ कर दिया तो आपके लिए माफ़ी आ गई है, चाहे सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु ने आपको माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने माफ़ किया यार, आप झुक गए हो। जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। ध्यान रखना, प्रार्थना करना ज़रूरी है।
और आप एक एक वो फल हो जिसके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी सेवा को तैयार करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे मूसा ने 30 लाख लोगों को छुड़ाया था, आज भी परमेश्वर के बहुत सारे ऐसे पवित्र सेवक जिनके द्वारा लाखों लाख लोगों को प्रचार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी सेवाएं चल रही है, वो भी एक गर्व का फल था। अगर वो भी किसी ना किसी प्रकार के पाप में डूब जाते और खुदा से दूर हो जाते, खुदा को जानने के बाद भी, तो वो आज बड़ी सेवा नहीं कर पाते। उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्रूस पे अपने आप को बलिदान किया है, आज भी वो अपना क्रूस उठाते हैं, वो आज भी अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं, उन्होंने सीख लिया है मसीह में जीना। और पवित्र सेवा करना आसान नहीं था, वो पवित्र सेवा है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। माफ़ करो।